दोस्तों आज मैं आप लोग को तीन प्रकार की ऐसे जड़ी बूटियों का वो खास रहस्य गुण या अचूक प्रयोग कह लीजिए उसको आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि इस औषधि का प्रयोग फायदे जब इसका देखोगे तो होश उड़ जाएगा, अंग्रेजी दवा भूल जाओगे हमेशा के लिए। स्तंभन शक्ति का नाम सुना होगा, जो कि मन चाहा समय तक के काम में मन लगा रहे और जोश उत्साह जुनून बना रहे, आपकी बैटरी लंबी चले। अगर आप भी गृहस्थ जीवन में होंगे तो ये भी बात आपको भली भांति पता होना चाहिए कि अपनी पत्नी को खुश रखना ही आपका परम धर्म है। अगर नहीं रख सकते तो आपका कोई हक नहीं है उसे भूखा प्यासा रखने का। आपको बहुत जल्द उसकी ख्वाहिश अच्छी तरह से पूरा करने का अपने अंदर सामर्थ्य लाना पड़ेगा, तभी आपकी शादीशुदा जिंदगी है वह जीवन भर अच्छे से चल पाएगी। आजकल कोई लाइफ स्टाइल का एजुकेशन, मैरिज लाइफ स्टाइल एजुकेशन लेना चाहता ही नहीं है। वो चाहता है कि हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, हम शादी करेंगे सब कुछ तो सीख लेंगे, लेकिन इसी चक्कर में पूरी तरह से भटक जाते हैं, डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाते हैं, शरीर समय के पहले बर्बाद कर लेते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोगों की बात कर रहा हूं। अक्सर करके जो गरीब होते हैं, असहाय होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वे लोग ज़्यादा इस तरह के चंगुल में फंसते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कि हम शराब पी लेंगे तो टाइमिंग बढ़ेगा, कोई और नशा करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। लेकिन दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब भ्रमित करने की चीज़ें हैं। कुछ दिन ये चीज़ें आपको अनुभव करा सकती है कि ऐसा हो सकता है या फिर हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, कुछ समय निकलने के बाद आपका शरीर पूरा खोखला हो जाएगा। अंदर से आपकी सारी इंद्रियां, फेफड़ा, गुर्दा, किडनी, लीवर, आपकी सारी आंतें कमज़ोर हो जाएगी। आपकी नर्वस सिस्टम पूरा हिल जाएगा, गलत तरीका से करने से भी और सही एजुकेशन जानकारी ज्ञान ना होने की वजह से भी। ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे घर उजड़ते हुए देखा है। इस तरह की अज्ञानता में फंस करके अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रहते और परेशान होकर के आत्महत्या कर लेते हैं या फिर पूरी तरह से लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो फिर आज हम आप लोगों को इस वीडियो में एक बेहतर लाइफ स्टाइल और खास जड़ी बूटी का खास प्रयोग बताएंगे, जिसके कारण शादीशुदा जिंदगी में कोई भी दुष्परिणाम आपको नहीं देखना पड़ेगा। आपको लगता होगा कि मांस मदिरा, चिकन मटन खाने से हेल्थ बनता है और आप इसी तरह के खाना पीना को एंजॉय कहते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि इससे बढ़िया खाना क्या हो सकता है तो कहोगे हमारे लिए तो यही बेस्ट है, बाहर का खाने पीने में बहुत मजा आता है दोस्त। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जितना अधिक बाहर का खाना खाओगे उतने अधिक आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार कर रहे हो, शरीर को हमेशा हर पल खा पी करके नुकसान पहुंचा रहे हो। कभी भी आपको आपका शरीर छोड़ के जा सकता है क्योंकि आपने उसको तंग करके रखा है, परेशान करके रखा है। शरीर को उसके हिसाब से, उसे कुछ करने ही नहीं दे रहे हो, उसे उसके हिसाब से खाने पीने की चीज़ें आप उसे दे ही नहीं रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप जब बाहर की जो पैकेट बंद फूड को, यानी जितने भी प्रकार के मिक्सचर हैं, पैकेट बंद और भी चिप्स हैं या फिर नमकीन, और मार्केट में जो खुले में बिकते हैं वो तो और भी खतरनाक हैं। जो होटलों में आप समोसा, बर्गर, पिज्जा ये सब खाते हो, ये सब बेकार है। मतलब ये व्यंजन बेकार नहीं है, इनके बनने का जो प्रोसेस है वह बेकार है। बाहर में जो चीज़ बनता है मार्केटिंग के लिए बनता है, पैसों के लिए बनता है, और लोग पैसों के लिए क्या क्या नहीं करते आप जानते हो। अपने अंदर की जो अच्छाई ज्ञान होता है उसको भी भुला करके जिसमें पैसा मिलता है उसी तरीके को अपनाते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, बाज़ार में जो भी चीज़ें बनती है या फिर कंपनियाँ पैकेट बंद फूड जो बनाती है, नमकीन बनाती है, उसे रिफाइन तेल से ही बनाया जाता है और रिफाइन तेल किसी भी प्रकार से फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कहीं भी सर्च करके रिफाइन तेल की जो नुकसान है उसके बारे में जान सकते हो। और एक बात, जो होटलों में, ढाबों में बैठ करके चाव से खाते हैं लोग, तो कभी कभाल का तो ठीक है, लेकिन जो आदत बना चुके हैं हर दिन खाने का, उनका तो सत्यानाश होना निश्चित है। क्योंकि होटल और ढाबे वाले अपने जो
तेल यूज़ करते हैं रिफाइन तेल का, उसको एक बार करके ख़त्म नहीं करते, उसको बचा के रखते हैं, अगले दिन उसी तेल में और तेल मिला के फिर से बनाना शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो रिफाइन तेल एक बार यूज़ किया होता है उसको अगर आप दोबारा यूज़ करोगे तो वह सीधा सीधा जहर के समान असर करता है, मतलब उसी से आपको तुरंत एसिडिटी हो सकता है। एसिडिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हमारे पाचन प्रणाली को पूरी तरह से विषैला कर देता है और इससे जो भी रस बनता है और पच जाता है तो वह खून में मिलता है, क्योंकि पहले रस बनता है फिर रक्त बनता है, और जब खून में वह मिलता है तो खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा होने की वजह से शुगर बढ़ने लगता है, घुटनों में दर्द होने लगता है, नसों में ब्लॉकेज होने लगता है, हृदय की पंपिंग क्रिया कम होने लगती है, किडनी ठीक से कार्य नहीं कर पाता, पेशाब रुक रुक करके जाता है। तो ठीक है, दुनिया के हिसाब से जियो और खुश रहो, लेकिन एक सीमा बना के रखो, एक लिमिट तैयार करके रखो। तो दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के भी चल सकते हो, दुनिया के हर खुशी को एंजॉय भी कर सकते हो, लेकिन अनुशासन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर सुख भोगें लेकिन हमें कुछ भी ना हो, तो रास्ता जरूर है, अपनाना और समझना आपका काम है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस नियम को आप फॉलो करोगे उस नियम से आपको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होगा, चाहे कितना भी जहरीला पदार्थ खा लो। आपके शरीर को पूरी तरह से शुद्ध रखना है, तभी सारी नसों में उत्तेजना बढ़ेगी और आपका खाया हुआ कोई भी औषधि अच्छे से कार्य करेगा। तो बाहर का चीज़ तो कम से कम खाएं, अगर खा भी रहे हैं तो सप्ताह में एक बार या दो बार। रिफाइन तेल को घर में भी यूज़ करना बंद कर दें। इसके अलावा जो शुगर होता है रिफाइन शुगर, उसको भी छोड़ दें। सुबह सुबह उससे चाय बनती है तो बंद कर दें, अगर चाय पीने का इच्छा ही है तो गुड़ से बना लें। इसके बाद जो आप साधारण नमक यूज़ करते हो, रिफाइन नमक, टाटा नमक, उसको भी बंद कर दें, और जो बिना रिफाइन का नमक आता है, जो बड़ा बड़ा होता है पत्थर के समान, उसको खरीद लें और उसको खाओगे तो वह बेहतर है, लेकिन उससे भी अच्छा आप खा सकते हैं तो वह है सेंधा नमक। सेंधा नमक यूज़ करोगे तो ज़िंदगी भर कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा आप दोपहर की सब्जी में अजवाइन का छौंका लगाएं और रात की सब्जी में जीरे का छौंका लगाएं। खाना खाने से पहले हर दिन कोशिश करें कि कुछ ना कुछ सलाद अवश्य खाएं। अगर खाली बैठने वाले काम करते हैं तो दिन में सिर्फ दो बार भोजन करें, दोपहर को और शाम को। परिश्रमी व्यक्ति हैं तो सुबह नाश्ता करें, पेट भर खाना ना खाएं, ताकि दोपहर तक जल्दी पच जाए और अच्छे से भूख लगे, और शाम का भोजन जल्दी कर लें, 6-7 बजे तक या 8 बजे तक, 8 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए। खाना जब भी खाएं तो अच्छे से बैठ करके, चबा चबा करके, रगड़ रगड़ करके कम से कम 20 बार चबाएं, या फिर पूरी तरह से उसको लार में मिक्स करके अच्छे से चबा कर खाएं। नींद अधूरा ना करें, पूरा जरूर करें। पाचन क्रिया हमेशा तेज होना चाहिए, इसके लिए अगर हो सके तो अदरक लहसुन नींबू इसमें नमक मिला करके चटनी बना करके रोजाना भोजन के साथ खाएं। पेट अच्छे से पूरा साफ ना हो तो कुछ दिन सुबह सुबह फल खाकर दोपहर तक रहें। नहाने के पहले और नहाने के बाद शरीर को अच्छे से तेल की मालिश करें। जब इतना दिनचर्या कर लोगे या फिर 2-4 दिन हो जाए तो आपका शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो चुका होगा। अब मैं जो बताऊंगा उस औषधि का प्रयोग करना, फिर शेर की तरह दहाड़ना, देखना तहलका मचा दोगे, धूम मचा दोगे, हर किसी को खुश कर दोगे। आपके सामने अप्सरा भी हाथ जोड़ लेगी और कहेगी बस करो मैं थक गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यही होता है जब आप इस तरह का तपस्या करोगे। तो मेरा तपस्या या परिश्रम कहने का मतलब यही था कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो और पूरी तरह से केमिकली प्रोसेस से बनने वाली जितने भी फूड हैं उन सब को छोड़ दो आज ही के आज ही। अगर आपको अपना पत्नी को हमेशा खुश करना है तो, और साथ साथ आपको भी हमेशा सेहतमंद और बलिष्ठ रहना है तो आपको साथ में क्या प्रयोग करना है मैं आपको बताता हूँ। स्तंभन शक्ति के लिए और ताकत के लिए, ताकत के लिए आप तिल, गुड़, चना और मूंगफली, इनका लड्डू बनाएं और
रोज एक लड्डू सुबह खाली पेट खाएं। अब उसके बाद जीरा, उड़द और मूंग, इन तीनों को देसी घी में भूनकर इनका भी आटा तैयार कर लें और जीरे का पाउडर बना लें और इनका भी एक लड्डू खाना है, मतलब लड्डू जरूरत के हिसाब से तैयार कर लें और एक लड्डू खाएं। तो जीरा, मूंग और उड़द से बनी हुई एक लड्डू और तिल, गुड़, चना, मूंगफली से बनी हुई एक लड्डू। अब उसके बाद रात को काम करते समय बिस्तर में लौंग और जायफल को घिस करके उसका पेस्ट निकालें और उन दोनों अपने और अपने पत्नी के नाभि में लेप करें। और यदि आपके पास है या फिर नहीं है तो आप खरीद सकते हैं ऑनलाइन धतूरे का शुद्ध तेल। धतूरे के तेल को दोनों पैरों के तलियों में पहले मालिश कर लें अच्छे से रगड़ रगड़ के। और यदि चिकनाई ना हो तो चिकनाई के लिए देसी घी का प्रयोग करें, गुप्त अंग में लगाएं, फिर आनंद के सागर में डूब जाएं। जितनी मर्जी चाहें डुबकी लगाएं और डुबकी लगाते समय जल्दबाजी नहीं, आराम से धीरे धीरे शुरू करें और स्पीड धीरे से बढ़ाएं और ब्रेक मार मार के रुक रुक के गाड़ी चलाएं और हर दिन सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए उठें और दोनों हाथों को रगड़ कर अपनी आँखों पर लगाएं। ऐसा लाइफ स्टाइल जियो, हर कोई आपको देख के जीना चाहेगा। जो शख्सियत है गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने की, उसको देखकर हर कोई जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा। तो आज मैंने आपको पूरे वीडियो में जो भी बात बताई है ये पूरी तरह से सत्य है दोस्तों। आजमाओगे तो ही इसका रिजल्ट पाओगे और ज़िंदगी भर इसके बदले में खुश हो जाओगे। तो आज का वीडियो अगर आपको कुछ अच्छा लगा होगा जानकारी, तो हमारे साथ इसी तरह की जानने के लिए देखने के लिए जुड़े रहें और खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद।